हेलो यूजर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज क्रिसमस ईव है। आई होप क्रिसमस ईव आप लोग अच्छे से एंजॉय करेंगे। तो आज पहले जान लेते हैं क्रिप्टो मार्केट की हलचल क्या है। सोलाना बिकम सेकंड लार्जेस्ट एनएफटी इकोसिस्टम। सोलाना बन के उभर के आ रहा है सेकंड लार्जेस्ट एनएफटी इकोसिस्टम। अगर देखा जाए तो सोलाना ब्लॉकचेन पे करीब 50 मिलियन की एनएफटी सेल हुई है पिछले 30 दिनों में। ऑन चेन जो एक्टिविटी है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। सोलाना प्राइस की अगर बात करें तो उस कॉइन में अभी $12 पे ट्रेड कर रहा है। अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस इंस्टीट्यूशनल रिसर्च, ये निकल के आया है कि जो टॉप इकोसिस्टम है एनएफटी से रिलेटेड उसमें सोलाना का सेकंड नंबर पे है, जिसमें कि डेटा के अकॉर्डिंग पता चलता है इसकी जो सेल है पिछले एक महीने में 50 मिलियन तक पहुंच चुकी है। इसके अलावा एनएफटी मार्केट में देखा जाए तो इथेरियम का ह्यूज मार्जिन हमेशा से रहा है। इस सेल में इथेरियम $400 मिलियन तक है। फिर भी एनएफटी सेल्स की बात करें तो सोलाना ने अपने आप को बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है और एनएफटी मार्केट में सोलाना की जो प्रेजेंस है इकोसिस्टम की वो काफी ज्यादा डिफरेंट है और बहुत ज्यादा रिलायबल है, जिस वजह से लोग अब सोलाना पे एनएफटी बाय और सेल खरीदना पसंद करते हैं। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट के बारे में। मेम डॉज कॉइन के प्राइस में पंप देखने को मिला है। पिछले दिन से अगर प्राइस की बात करें तो अच्छा प्राइस मूवमेंट हमें देखने को मिला है। चार्ट की अगर बात करो तो देखिए चार्ट में भी एक बुलिश ट्रेंड बनता दिख रहा है। अभी अगर बात करें डॉज कॉइन की तो ये दोबारा से पंप हो रहा है और वेल्स भी कहीं ना कहीं इस जंप के पीछे एक वन ऑफ द रीजन है, क्योंकि 410 मिलियन वर्थ के डॉज कॉइन की बाइंग एंड सेलिंग की गई है वेल्स के द्वारा। थर्सडे की अगर बात करें तो 5 बिलियन डॉज जो है ट्रांसफर किए गए हैं 6 कंसेक्यूटिव ट्रांजेक्शंस में, जिससे कि इसके प्राइस में सुधार होने में सहायता मिली। इसके अलावा हम सब जानते हैं इलॉन मस्क डॉज कॉइन को लेके कुछ ना कुछ कमेंट करते हैं, उसके बाद प्राइस पंप होता है। हाल ही में इलॉन मस्क की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है कि वो बहुत जल्दी डॉज आर्मी के साथ में एक लाइव कर सकते हैं ट्विटर पे, उसके बाद भी डॉज कॉइन के प्राइस में एक बढ़ोतरी देखने को मिली है। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट के बारे में। ब्राजीलियन प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया है क्रिप्टो बिल इनटू लॉ। अब ब्राजील में क्रिप्टो को लेके एक रेगुलेशन आएगा। ये लॉ इंक्लूड करता है डिजिटल करेंसीज को और जो लीगल पेमेंट मेथड्स है उसमें क्रिप्टो करेंसीज को अब यूज किया जाएगा, एक तरह से लीगलाइज किया। ब्राजील में लाइसेंसिंग रिजिम जो है वर्चुअल असिस्ट सर्विस प्रोवाइडर की वो दी गई है, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि धीरे धीरे मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो है वो अडॉप्शन कर रही है क्रिप्टो करेंसी को, अपने पेमेंट मेथड में एड ऑन कर रही है। ये जो लॉ है ये अप्रूवल किया गया है कंट्री चैम्बर डेप्यूटीज की तरफ से, जो बिटकॉइन को एक नए लेवल पे लेके जाता है। अगर इसी तरह से अडॉप्शन बढ़ता रहा कंट्री टू कंट्री तो कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट है वो और ज्यादा इनलार्ज हो जाएगा। अगर क्रिप्टो लॉ की बात करें ब्राजील में ये 180 डेज के बाद सर्कुलेट हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। इसमें जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसे ऑलरेडी फ्रेमवर्क किया जा चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सआरपी के बारे में। एक्सआरपी होल्डर की अगर नंबर्स की बात करें तो उसने एक नया माइलस्टोन अचीव किया है। 4.5 मिलियन नंबर्स बढ़े हैं एक्सआरपी होल्डिंग्स के बारे में। एक्सआरपी में देखा जाए तो इसका जो ऑल टाइम हाई है नंबर्स का उसको क्रॉस करके एक नया माइलस्टोन इसने अचीव किया है। अकॉर्डिंग टू द एक्सपीएल सर्विस डेटा नंबर ऑफ एक्सआरपी अकाउंट होल्डर्स बढ़ गए हैं, एक माइलस्टोन तक पहुंच गए। 4.5 मिलियन होल्डर्स बढ़े हैं एक्सआरपी के, और अगर देखा जाए तो पिछले अक्टूबर से कंपेयर करें तो अब तक करीब 1,60,000 नए अकाउंट्स बने हैं एक्सआरपी होल्डिंग के, जो कि एक्सआरपी की ग्रोथ को बढ़ाता है, इसके यूसेज को बढ़ाता है। आगे आने वाले टाइम में देखने लायक होगा कि इसके होल्डर्स में और कितनी बढ़ोतरी हो रही है। अगर इसके प्राइस की बात करें तो प्राइस भी अभी अच्छा मूवमेंट दिखा रहा है। एनएफटी मार्केट की बात करें तो वो भी एक रिजल्ट ओरिएंटेड चीजें दिखा रहा है। रिसेंटली इम्प्लीमेंटेशन अगर देखा जाए एक्सआरपी में न्यू स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंट किए गए थे XLS20, जो रैपिडली ग्रोथ दिखा रहा है। और दिसंबर की बिगनिंग में अगर देखा जाए तो XPL NFT ने ऑफर किया 8.24% तक का, और जो सेल ऑफर किया है बाय ऑफर किया उसकी वजह से NFT में भी इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो आज के लिए इतना ही, आगे आने वाली खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।